प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड में उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त व्युत्पन्न को एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इन हैलो व्युत्पन्न में हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई इन टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक हैलोजन परमाणु वाले हैलोजन व्युत्पन्न को मोनो, दो हैलोजन परमाणु वाले हैलोजन व्युत्पन्न को डाई इन, तीन हैलोजन परमाणु वाले व्युत्पन्न को ट्राई तथा चार हैलोजन परमाणु वाले व्युत्पन्न को टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त व्युत्पन्न को एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे यहाँ इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर एल्केन के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, मोनोक्लोरो मेथेन। इसी प्रकार से यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में यहाँ पर इसके दो हाइड्रोजन को दो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके प्रतिक्रियाएं डाइक्लोरोमेथेन हैलोजन व्युत्पन्न बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीन हाइड्रोजन को तीन हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर टेट्राक्लोरोमेथेन एवं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांच Cl है वो जुड़े हुए हैं और कार्बन संख्या है वो दो है, अतः इसका नाम होगा पेंटाक्लोरोमेथेन। अर्थात इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांच हाइड्रोजन को पांच हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसके फलस्वरूप प्राप्त हैलो व्युत्पन्न का नाम होगा पेंटाक्लोरोमेथेन। एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। इन्हें हम RX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर R एल्किल समूह है और X हैलोजन परमाणु है। X Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इत्यादि हो सकते हैं। एल्किल हैलाइड में हैलोजन युक्त कार्बन के प्रकार के आधार पर तीन वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। प्राथमिक को हम प्राइमरी पी से या वन डिग्री से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड इस उदाहरण में देख रहे हैं कि हैलोजन जो परमाणु है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस उदाहरण में देख रहे हैं यहाँ पर हैलोजन आयोडीन है वो वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अतः ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड के उदाहरण। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जब हैलोजन परमाणु किसी सेकेंडरी द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी को एस या टू डिग्री से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इस बार हम देख रहे हैं यहाँ पर Br ब्रोमीन है वो टू डिग्री सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न को सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट टर्शियरी एल्किल हैलाइड, जब हैलोजन परमाणु किसी टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे तृतीय टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। टर्शियरी को पी से या थ्री डिग्री से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस उदाहरण में
प्रसी कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु ब्रोमीन डाउन। इसी प्रकार से इस काम में हम देख रहे हैं यहाँ पर तृतीय तृतीय कार्बन के साथ Cl क्लोरीन हेलोजन परमाणु डाउन। अतः ये तृतीय एल्किल लाइट के उदाहरण। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर नामकरण। नामकरण की उत्पत्ति में एल्केन के मोनोहैलोजन विघटन को बदन रूपी एल्किल समूह का हैलाइड कहते हैं। IUPAC पत्ती में हैलोजन को प्रतिस्थापित मानकर के इन्हें हेलो एल्किन नाम दिया जाता है, जैसे CH3X। इसका रूप पत्ती में नाम होता है मेथिल हैलाइड, जबकि IUPAC पत्ती में इसका नाम होगा हेलो मेथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम होगा हेलो मेथेन। इसी प्रकार से इस कार्बन यौगिक का नाम होगा हेलो एथेन। दो कार्बन उपस्थित हैं इसलिए इसका नाम होगा हेलो एथेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस यौगिक का नाम होगा 1-हेलो-प्रोपेन। यहाँ पर हेलोजन परमाणु है वो जुड़ा हुआ है और कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन हैं, अतः इसका नाम होगा 1-हेलो-प्रोपेन। इस कार्बनिक यौगिक का नाम हम निम्न प्रकार से करते हैं, नंबरिंग हम इधर से काम करते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अतः इसका IUPAC नाम होगा 2-हेलो-प्रोपेन। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा 1-हेलो-ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित है और कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु हैं, अतः इसका नाम होगा 1-हेलो-ब्यूटेन। इसी प्रकार से इस कार्बन यौगिक का नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर हम नंबरिंग प्रारंभ करते हैं 1 नंबर कार्बन 2 और 3। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर एक्स हैलोजन जुड़ा हुआ है और 2 नंबर कार्बन पर यहाँ पर CH3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, अतः इसका IUPAC नाम होगा 1-हेलो-2-मेथिल-प्रोपेन। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा 2-हेलो-ब्यूटेन। यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर एक्स हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर इसका नाम 2-हेलो-ब्यूटेन होगा। इसी प्रकार से इस यौगिक का नाम हम इन प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन 2 और 3। हम देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पर हैलोजन परमाणु और मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, अतः इसका IUPAC नाम होगा 2-हेलो-2-मेथिल-प्रोपेन। अतः इस प्रकार से हम हैलोजन व्युत्पन्न का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट संरचना। एल्किल हैलाइड में कार्बन का sp3 संकेत कक्षक हैलोजन के अर्धवृत्त हाफ फील्ड पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस अतिव्यापन के लिए क्लोरीन 2p कक्षक, क्लोरीन 3p कक्षक और ब्रोमीन 4p कक्षक तथा आयोडीन 5p कक्षक व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ रहता है, उसी तरह एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई भी बढ़ती जाती है और बंध अपेक्षाकृत कमजोर होता जाता है। एल्किल हैलाइड की चतुष्फलक की ज्यामिति होती है जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है और इनमें CHH बंध कोण का मान लगभग 109 डिग्री होता है। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति का पोलर नेचर का होता है। कार्बन की अपेक्षा हैलोजन की विद्युत का मान अधिक होता है
जिससे कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को हाइड्रोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस कारण कार्बन पर आंशिक धन आवेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात सह संयोजन में पोलैरिटी भिन्नता आ जाती है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने पर बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन पर आंशिक धन आवेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है और बंध में ध्रुवीय गुण आ जाता है। अतः इन युग्मों में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ बंध में ध्रुवता पोलैरिटी बढ़ती जाती है। Thank you.